একেবারে হাই ভোল্টেজ বহরমপুর লোকসভা নির্বাচন সকাল থেকে চলছে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন। এই মুহূর্তে অধীর চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন শুনুন। কিন্তু কংগ্রেসে কোনো প্রচার করতে কেউ এলো না, কোনো এগিয়ে নাই। কংগ্রেসের এদিকে অধীর চৌধুরী একা লড়াই, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাহুল গান্ধী আসতে চেয়েছিল, রাহুল গান্ধী ইমরান প্রতাপ গড়ি এসছে, প্রতিদিন খবর নিচ্ছে। আর কি চাই, রাহুল গান্ধী কিছুদিন আগে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় আমার এলাকা দিয়ে মুর্শিদাবাদ দিয়ে দুদিন তিনি হেঁটেছেন, দুদিন তিনি ন্যায় জোড়ো যাত্রা করেছেন, রাত থেকে থেকেছেন। আর কি করবো রাহুল গান্ধীকে নিয়ে। सुबह से क्या स्थिति है? अभी तक प्लीज छोटे मोटे बेकार लग गया। अब तक मेरा लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं घटी। छोटे मोटे दो चार जगह एजेंट वालों को घुसे नहीं दिए गए थे, कहीं कई जगह एजेंट को धक्के मार के निकाले भी गए थे, लेकिन तुरंत हमारे पार्टी और हमारे सारे कार्यकर्ता उनकी सक्रियता की बदौलत हमें तुरंत सारे खबर चुनावी आयोग को हम लोग बताया और चुनावी आयोग ने भी काफी हरकत के बाद सारे अब तक की इन टीएमसी पार्टी की गुंडों की सारे जो कारतूत है उनको विफल करने में सक्षम हुई। फिर भी अभी शुरू हुई, धीरे धीरे आगे क्या स्थिति आएगी मैं तो अभी इसी वक्त कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूँगा कि चुनाव आयोग काफ़ी सक्रिय है, ये तो मैं जरूर कहूँगा। जहाँ जो देखते हैं जरूर, ये अब तक की स्थिति ऐसा है कि चुनाव हो रहे हैं लेकिन कई कई बूथे हैं, जैसे कि बेलडंगा बोल के जगह है मिर्जापुर, ये बड़ा खतरनाक जगह है, और बरुआ की दो चार जगह और सालार की एक दो छोटे छोटे पॉकेट में ये सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ गुंडों ने बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे एजेंट अंदर जाएं और बैठे रहें। और सत्तारूढ़ पार्टी की और एक मतलब सुविधा ये होती कि उन काफी ये निर्दलीय प्रार्थी को उन्होंने खड़ा किए हैं, जिनके चलते उनकी अपना अपना एजेंट की संख्या भी बढ़ चुकी है। वो बूथ के अंदर ज़्यादा एजेंट रहते हुए वो बूथ के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो एजेंट वहाँ है वो सारे इन लोगों को, सारे साजिशों को, सारे इन लोगों को नाकाम करने में अब तक तो सफल रही है।